गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। आइए पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला जारी करते हैं। लास्ट क्लास में जो हम कुछ पॉइंट को छोड़ के चले थे, उसी को लेकर के आगे बढ़ना है आज। जैसे कि हम नाउन पढ़ रहे थे, और नाउन में नाउन केस, और नाउन केस में हमने देखा सब्जेक्टिव केस, यानी कोई नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करता है, डूअर का काम करता है, वो सब्जेक्टिव केस होता है, जिसका एग्जांपल हम लास्ट क्लास में देखे थे, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट था नाउन केस का प्रकार में ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है ये भी हम लोग सीखे थे लास्ट क्लास में ही। एक बार उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा तो आगे बहुत मजा आने वाला है। नाउन या प्रोनाउन रिसीवर होता है तो वो ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्टिव केस, उसी को कहा जाता है। एग्जांपल भी हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे। एक पॉइंट जो कि हम लोग छोड़ के चले थे पॉजिटिव केस, ठीक है। और पॉजिटिव केस में एक चार्ट हम लोग बनाए थे, तालिका, ठीक है। और ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस, इसको हम लोग पढ़े थे। ये हो गया सब्जेक्टिव केस, ये प्रोनाउन के सेंस में हम लिखे हुए हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा सब्जेक्टिव केस में सारा का सारा ये प्रोनाउन है, नाउन का चर्चा हम लोग नहीं किए हुए हैं, क्योंकि कोई भी नाउन अगर सब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो उसी तरह से रहेगा, ऑब्जेक्ट में रहेगा तो वो उसी तरह से रहेगा। लेकिन प्रोनाउन का क्या विशेषता है कि अगर सब्जेक्ट के रूप में आई है तो ऑब्जेक्ट के रूप में मी देखने को मिल रहा है, ही सब्जेक्ट के रूप में है तो ऑब्जेक्ट के रूप में हिम है, सी सब्जेक्ट है तो हर, वी का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस, अस दे का ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्टिव केस देम, यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम है, ठीक है। अब ध्यान रहे यू एक ऐसा प्रोनाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसका तो हम लोग प्रोनाउन में चर्चा करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो ये सेल्फ जो आप देख रहे हैं एल एफ एल एफ एल एफ, ये सिंगुलर होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम एल एफ को यानी कि अंत में अगर एफ होता है तो उसको हम लोग भी एस में बदल देते हैं, नाउन नंबर में हम पढ़ेंगे, इसीलिए सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, इसलिए इसका दोनों फॉर्म लिखे हुए हैं। आप देखेंगे दे का यहाँ जो रिफ्लेक्सिव है देमसेल्व्स प्लूरल यूज हुआ है, वी का आवर सेल्व्स प्लूरल है, बाकी सभी सिंगुलर है तो सेल्फ लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमने बात किया सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये हमको प्रोनाउन में पढ़ना है, इसका चर्चा हम कर चुके हैं और इसका भी चर्चा कर चुके हैं। अब हमको फोकस करना है पॉजेसिव केस, और पॉजेसिव केस को दो भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं वो दो भाग में से में एक है पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक का नाम दिया गया है पॉजेसिव प्रोनाउन, पी आर का मतलब है प्रोनाउन, ठीक है ना। आ जाओ अब दोनों में डिफरेंट क्या है, क्वेश्चन कैसे बनता है, इसका चर्चा हम लोग बखूबी यहाँ पे करेंगे, वो सारा एग्जांपल और क्वेश्चन का पैटर्न को लेते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखिए कंफ्यूज कहाँ करता है कैंडिडेट, जैसे कि पॉजिटिव एडजेक्टिव हीज ही का और पॉजिटिव प्रोनाउन भी हीज है, ठीक है ना। क्वेश्चन कभी कभी क्या आता है, स्टेट लेवल का क्वेश्चन ज़्यादा आता है और डिफेंस लेवल का, क्या आता है पहचान के लिए, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचान के लिए, ठीक है ना। अगर कोई कैंडिडेट ये मेमोराइज कर लिया है कि जो हीज होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव आता होता है, ठीक है ना, जो कि लिखा हुआ है, लेकिन अगर एक सेंटेंस दिया हुआ है और सेंटेंस में हीज का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना, और ऑप्शन में आपका एडजेक्टिव भी दिया और प्रोनाउन भी दिया, तो हम क्या करेंगे कि भाई पॉजिटिव एडजेक्टिव भी है और पॉजिटिव प्रोनाउन भी है। अब यहाँ पर हम लोग कन्फ्यूज करते हैं कि भाई हम टिक किसको करें, आंसर कौन सही होगा, बस इसी को यहाँ पे डिटेल हमको देखना है कि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना करेंगे। ये तो अभी हम बता रहे हैं, अभी एग्जांपल के साथ हम इसको क्लियर करेंगे, ठीक है ना। अब आ जाओ कुछ कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। सी का आप देख रहे हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव हर है और ऑब्जेक्टिव केस भी हर है, ये दोनों सेम है, ठीक है ना। तो भाई ये पजेशन का काम करेगा, ठीक है ना। पजेसिव केस हम लोग देखे थे पजेशन का काम करता है, पजेशन मतलब क्या है अधिकार, सेंटेंस में पुट करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है ऑब्जेक्टिव, ये रिसीवर बन जाएगा, इसको कुछ मिलेगा या इस पर कुछ काम होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आ जाओ और कोई कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन हाँ, एक कन्फ्यूज यहाँ पे आप करते हैं कि यू सब्जेक्टिव केस और यू ऑब्जेक्टिव केस, इसको भी हम लोग एग्जाम्पल्स में देखेंगे, ठीक है ना।
तो हम उम्मीद किए थे कि ये सारा पॉइंट्स को आप देख लिए होंगे, क्योंकि ये लास्ट क्लास का ही पॉइंट था। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, या तो फिल इन द ब्लैंक्स से क्वेश्चन हो, या फिर ये कॉमन एरर का क्वेश्चन हो, या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने के लिए क्वेश्चन दिया जाए, वो सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे डील करेंगे वन बाय वन। ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं। चलो, आ जाओ। चलिए, बहुत ही अच्छे से आप देखेंगे पजेसिव केस को हम लोग फोकस करने वाले हैं, और इसमें पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, जो कि पजेसिव केस को पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन के रूप में हमने अभी देखा। तो एडजेक्टिव में है आई का माई, यू का योर, सी का हर, ही का हिज, वी का आवर, दे का देयर, इट का इट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है ना। ये सभी के सभी क्या हुआ, पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब क्योंकि ये एडजेक्टिव तो है, हम लोग एडजेक्टिव के चैप्टर में बहुत ही क्लियरली पढ़ेंगे इसको, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है उसको भी क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है ना, हमने देखा पजेसिव केस में ये सारा का सारा पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है ना, और एडजेक्टिव का काम क्या है कि कोई नाउन या कोई प्रोनाउन का विशेषता बताता है। ठीक है ना, यानी उसका गुण दोष के बारे में चर्चा करेगा। इसीलिए पजेसिव एडजेक्टिव यानी ये सारा पॉइंट कभी भी आपको मिले सेंटेंस में, तो इसको एक नाउन होना इसको चाहिए, यानी इसके बाद एक नाउन होना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर है। फिर से एक बार, माई, योर, हर, हीज, आवर, देयर, इट्स, अगर सेंटेंस में है तो इसके बाद एक नाउन चाहिए। ठीक है ना, और नाउन या प्रोनाउन के पहले जो भी वर्ड आता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है ना, ये क्लियर है। लेकिन इसी में अगर हम पॉइंट बनाते हैं पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है ना, पजेसिव प्रोनाउन हमने देखा माइन, यहाँ पे योर है तो योर्स, हर है तो हर्स, हीज सेम रहेगा, आवर एस जुड़ जाएगा, देयर इसमें भी एस जुड़ जाएगा, इट का नहीं होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, अब देखो दोनों में डिफरेंट क्या है, ये अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन है, और ये अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को नाउन चाहिए, लेकिन प्रोनाउन को नाउन नहीं चाहिए, ध्यान रहे। इसके बाद अगर नाउन आता है तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो कंफ्यूज क्या करता है लोग, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसमें होता है, हीज यहाँ पे भी है, हीज यहाँ पे भी है। अभी हमने कहा कि हीज के बाद यहाँ पे नाउन होगा, सही होगा, और यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि भाई हीज के बाद फिर से नाउन होगा, तो गलत कैसे हो जा रहा है। ठीक है ना, अब ध्यान दें। ठीक है, अब समझना है कि हीज के ठीक बाद अगर कोई नाउन नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो सेम है, अगर इसके बाद नाउन नहीं है तो ये अपने आप में प्रोनाउन कहलाएगा, लेकिन अगर इसके बाद कोई नाउन आता है तो ये एडजेक्टिव होगा। ठीक है ना, अब चलो कुछ सेंटेंस जो कि क्वेश्चन का रूप है उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इसका लेवल क्या है। एरर का भी क्वेश्चन हम बनाएंगे और फिल इन द ब्लैंक का भी क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है ना, एक बार फिर से समझ लीजिए, पजेसिव एडजेक्टिव जो आपके सामने है इसके बाद एक नाउन चाहिए, पजेसिव प्रोनाउन जो आपके सामने है इसको नाउन नहीं चाहिए, इसके पहले नाउन हो सकता है, इसके बाद नहीं होना चाहिए, यह ध्यान रखिएगा। चलो इसको मिटाते हैं, इसको देख लीजिएगा, कुछ सेंटेंस क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आ रहा है। एक छोटा सा सवाल है,
दिमाग लगाना है। दिस इज नॉट खाली स्थान का ऑप्शन है हर्ष हिज योर्स माइन। ठीक है, ये एक सवाल है। फिर से दिस इज नॉट खाली स्थान कार, यानी कहना क्या चाह रहा है कि यह जो है, यह जो कार है उसका नहीं है स्त्री के लिए, उसका नहीं है कोई पुरुष के लिए, आपका नहीं है मेरा नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रहे। अब ये जो ब्लैंक्स है इसके लिए जो चार ऑप्शन है कोई एक ही ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है ना, यानी कि कोई एक ही आंसर सही हो सकता है, तीन व्यर्थ है, यानी ऐसा ही कंफ्यूज करने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है ना, अगर सिर्फ आप मीनिंग जानते हैं, हर्ष का मतलब उसका होता है, हिज का मतलब भी उसका है, योर्स तुम्हारा होता है, माइंड मेरा होता है, और उसी के अकॉर्डिंग आप यूज़ करना चाहेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये फंक्शनल लेवल का पॉइंट्स हम लोग सीख रहे हैं और कॉम्पिटिटिव लेवल में ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए देता है क्वेश्चन। ठीक है ना, चलो ट्रांसलेशन और स्पीकिंग से कोई लेने देने नहीं होता है कॉम्पिटिशन में। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट को जानो, ट्रांसलेशन और स्पीकिंग बहुत ही ईजी हो जाता है। अब ध्यान रहे, जो इससे पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़े थे ये क्या है, कार एक नाउन है। नाउन पहचानने के लिए हम लोग क्या देखा था, दिस इज नॉट खाली स्थान कार, क्या नहीं है तो कार नहीं है। ठीक है ना, तो ये नाउन हुआ, और नाउन के पहले अभी अभी हमने देखा यहाँ पे एडजेक्टिव या प्रोनाउन किसको हम सही बनाएंगे, तो भाई नाउन के पहले प्रोनाउन नहीं एडजेक्टिव सही होगा। ठीक है ना, एकदम बेसिक पॉइंट को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर हम हर्ष को देखते हैं तो ये एडजेक्टिव नहीं प्रोनाउन है, कलेक्शन में आप देखेंगे। योर्स को अगर हम देखते हैं तो ये भी क्या है, एडजेक्टिव नहीं प्रोनाउन है, हमको क्या चाहिए एडजेक्टिव, इसलिए ये भी खत्म हो गया। माइन क्या है, फिर से एडजेक्टिव नहीं प्रोनाउन है। ठीक है, अब देखो तीन ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया। कभी कभी क्या है ना कि एक पॉइंट को अगर आप लेके चलो तो आंसर तक आप पहुंच सकते हो। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है, अगर हमको ये पता है कि कार एक नाउन था उसके पहले एडजेक्टिव हमको चाहिए था, और ये एडजेक्टिव नहीं है, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये भी एडजेक्टिव नहीं है, तो आंसर आपके सामने है। ठीक है ना, अब आपके दिमाग में चल रहा है भाई ये तो एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों हैं। ठीक है ना, बस यही पे हमको खेल देखना है, दोनों का डिफरेंट अभी हम देखेंगे, और जो रिकॉग्नाइजेशन पहचान के लिए जो क्वेश्चन बनता है उसको भी अभी हम देखेंगे। अब यहाँ पे हमारा आंसर बी है, यानी एडजेक्टिव के रूप में ये यहाँ पे यूज होगा, नाउन के पहले आया है तो इसका काम क्या है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, एक सेंटेंस और अगर हम बनाते हैं, अगर हम बोलते हैं दिस इज हिज पेन, और यही सेंटेंस को दिस पेन इज हिज, अब ध्यान रहे ये दोनों को दोनों सेंटेंस सही है। ठीक है, लेकिन ये जो आप केस देख रहे हैं इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल गया है। ठीक है ना, क्योंकि ये प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, कैसे हमको पता चलेगा, दिस इज हिज पेन, यानी पेन के पहले ये आया है तो ये क्या हुआ एडजेक्टिव, ये पहचानने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है ना, और यहाँ पे दिस पेन इज हिज, इसके बाद कोई भी नाउन नहीं है, यानी ये कैसा है, ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। ठीक है ना, तो ये छोटा सा बात आपको दिमाग में रखना होगा, है ना, क्वेश्चन ऐसा ही आ जाता है। जैसे कि इसी को अंडरलाइन कर देता और चार ऑप्शन दे देता कि बताओ ये नाउन है प्रोनाउन है एडजेक्टिव है वर्ब है। ठीक है ना, या इसी को अंडरलाइन कर देगा और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ लेगा कि बताओ ये क्या है, तो भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच के तहत हम तो दो ही जानते हैं, या तो एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है। ठीक है ना, एडजेक्टिव होगा तो इसके बाद नाउन होगा, अगर नाउन नहीं है तो ये प्रोनाउन बन जाएगा। ठीक है ना, चलो अब कुछ एरर वाला क्वेश्चन भी देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कॉमन एरर का, इससे रिलेटेड। ठीक है ना, ये पहला पॉइंट है, नाउन केस में भी हम लोग बहुत पॉइंट को देखने वाले हैं। समझना ज्यादा है लिखना कम है। ठीक है ना, कुछ एक पॉइंट वो आप नोट करते चले जाओ जो कि रिवीजन में काम देगा। ठीक है, आ जाओ कुछ सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं।
और वो सेंटेंस आपको बैंकिंग में, एसएससी में, सीडीएस में, कोई भी एग्जाम में, ठीक है ना। लैंग्वेज इंग्लिश अगर हम लोग पढ़ते हैं तो कहीं भी कोई क्वेश्चन आता है वैसा तैयार हो जाइए आप। चलो द फोटोग्राफ दैट displayed on the screen is not your, एकदम ध्यान से, B C D, D का मतलब है तभी आप इसको टिक करेंगे जब A B और C तीनों पार्ट में किसी प्रकार का कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है ना। आ जाओ, सेंटेंस देखने में एक लंबा सेंटेंस है, ठीक है ना, उससे हमको कोई लेने देने नहीं है। कभी कभी क्या है ना, कैंडिडेट ये कंफ्यूज करता है कि सेंटेंस बहुत लंबा था, कैसे पता चलेगा कहाँ एरर है कहाँ नहीं है, कौन सा पार्ट सही है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर हम लोग पढ़ते हैं बहुत ही प्रॉपरली, ठीक है, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। फिलहाल तो जो पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, वो पॉइंट को हम यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। आ जा, द फोटोग्राफ्स यानी कि वो फोटोग्राफ्स का हम बात कर रहे हैं दैट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन यानी कंप्यूटर स्क्रीन में इज नॉट योर, इसका मतलब क्या है, पूरा सेंटेंस का मतलब कि भाई कोई लड़का एग्जाम के लिए बैठा हुआ है और ऑनलाइन एग्जाम होता है आप जानते हैं, और वहाँ पे कभी कभी क्या है ना कि कंप्यूटर में डिस्प्ले करता है आपका फोटोग्राफ्स, ठीक है ना, कि आपका फोटो है तो आपको वहीं बैठना है। तो क्या है कि कैंडिडेट जो है सो अपना फोटोग्राफ्स उसका बिल्कुल नहीं है, दूसरा का फोटोग्राफ्स है और उसी कंप्यूटर के सामने वो बैठा हुआ है, ये सेंटेंस का मीनिंग हुआ, ठीक है ना। तो वही बोला जा रहा है द फोटोग्राफ्स दैट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन इज नॉट योर, वो आपका नहीं है, यानी इसका मतलब है आप दूसरे कंप्यूटर के सामने जाके बैठना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हमें ये देखना है कि ये जो योर है, यहाँ पे डायरेक्ट आ जाइए फोकस, योर क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में अभी हमने क्या सीखा, वो प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो आपने देखा ये प्रोनाउन नहीं, ये तो एडजेक्टिव है, और हमने सीखा कि यदि एडजेक्टिव है तो उसके बाद तो कोई नाउन होना चाहिए, ठीक है, लेकिन नाउन तो इसके पहले है, फोटोग्राफ्स का बात कर रहा है, ठीक है ना, पजेशन का बात कर रहा है, ऑनरशिप का बात कर रहा है, ठीक है ना, तो इससे पहले है, यानी कि यहाँ पे जो एडजेक्टिव है इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, ये इसका काम प्रोनाउन का होना चाहिए, इसलिए सी पार्ट में करेक्शन होगा, योर को योर्स बनाना पड़ेगा। देखो कितना आसान था, कुछ और भी एग्जांपल हम बनाते हैं, ठीक है ना, आ जाओ। These are mine books. That is yours mobile phone. This watch is my, चलो तीन सेंटेंस फिर से एक बार रिवाइज करने के लिए हमने लिखा है, ठीक है ना। आप कमेंट कर सकते हैं, मतलब मन में ही आप सोच सकते हैं कि ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। चलो वन बाय वन हम लोग यहाँ पे देखेंगे भी, ठीक है। दीज अपने आप में ये प्लूरल है, प्रोनाउन में इसको हम पढ़ेंगे, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये प्लूरल है इसलिए ये भी प्लूरल आया है, ठीक है ना, और इसी वजह से यहाँ पे भी नाउन आपका प्लूरल आया है, ठीक है ना। तो भाई ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन ये बुक्स अपने आप में क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले हमको क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, जो कि यहाँ पे माइन क्या है, प्रोनाउन का काम कर रहा है, जो कि गलत हो जाएगा सेंटेंस। अब इसी सेंटेंस को हम दो तरह से सही कर सकते हैं, ध्यान रहे ये सेंटेंस को हम दो तरह से सही कर सकते हैं। दीज
आर यहां माई बना करके बुक्स सही हो जाएगा, या फिर ठीक है इसको हम पलट देंगे, दीज बुक्स को इधर लेके आएंगे, बुक्स आर माइन, ये दो तरह से सही हो सकते हैं। ट्रू फॉल्स का अगर बात होता है तो उसको भी आप देखेंगे, ठीक है ना। तो ए जो एरर था उसको हम लोग दो तरह से करेक्शन कर लिए, ये दोनों को भी इसी तरह से हम लोग दो तरह से बना सकते हैं, ठीक है ना। ये होमवर्क रहा आपका कि आप इसको ठीक है करेक्शन कीजिएगा, लेकिन बताते हैं एक बार, मोबाइल फोन यहाँ पे क्या है, नाउन, और नाउन के पहले हम क्या चाहिए, एडजेक्टिव योर सही होगा। फिर से अब यहाँ पे देखो, ठीक है ये माई है, एडजेक्टिव है, इसके बाद फुल स्टॉप है, जबकि उसके बाद हमको क्या चाहिए था, एक नाउन चाहिए था, अगर यही नाउन इधर होता तो सही हो जाता, ठीक है, इसलिए इसको हटाओ और यहाँ पे माइन लिखो, ये सही हो जाएगा, ठीक है, या फिर दिस इज माई वॉच, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो इस पॉइंट को एक बार रिविजन कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये छोटा पॉइंट था लेकिन महत्वपूर्ण था, ठीक है ना। कैसे हमको कन्फ्यूज करवाया जाता है प्रोनाउन और एडजेक्टिव पॉसेसिव केस के अंतर्गत, ठीक है ना। तो ये पहला पॉइंट हमने क्लियर किया कि भाई अधिकार पोजिशन बताने के लिए एक प्रोनाउन का प्रयोग होता है और एक एडजेक्टिव का प्रयोग होता है पोजेसिव केस के तहत, है ना। आ जाओ अब इसका कुछ भिन्न भिन्न और भी फंक्शन है, ठीक है ना, और क्वेश्चन का जो लेबल है वो बढ़ता चला जाएगा। ये पहला पॉइंट था, ठीक है ना। आ जाओ दूसरा पॉइंट, चलो नेक्स्ट पॉइंट है, क के की, ध्यान दीजिएगा ये हम हिंदी क्यों लिखे हुए हैं, ठीक है, क के की, यानी कि ये पोजीशन बताने के लिए जब हम हिंदी का उच्चारण करते हैं तो इस तरह से हम बोलते हैं, जैसे राम का घर, ठीक है ना, उसका मोबाइल फोन, है ना। तो ये का के की क्या बताता है, रिलेशन बताता है, पोजेसिव केस के तहत हम देख रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके लिए हम लोग दो पोजेशन तैयार करते हैं, ठीक है ना। वो क्या होता है, कभी कभी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं क के की का अर्थ को बताने के लिए, ठीक है ना, और कभी कभी क्या है कि हम अपोस्ट्रोफीस, ध्यान दीजिएगा इसको हम अपोस्ट्रोफ है, ये अपोस्ट्रोफी ये एस है, ठीक है ना, का प्रयोग करते हैं, है ना। अब सवाल ये है कि कब हम ऑफ का प्रयोग करेंगे क के की पोजीशन बताने के लिए, और कब हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं क के की पोजीशन बताने के लिए, ठीक है ना। ये भी पॉइंट बहुत सारे कैंडिडेट को आता होगा, ठीक है ना, लेकिन हमें ये नहीं लेना देना है कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, सारा चीज को हमको देखना है, ठीक है ना, शुरू से लेकर के लास्ट तक। आ जाओ जनरली ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑफ का प्रयोग होता है ये नॉन लिविंग के लिए, यानी कि नॉन लिविंग का मतलब क्या हो गया, थिंग्स बोल सकते हैं, ठीक है ना, कोई वस्तु जिसमें जान नहीं हो, ठीक है, उसको अगर हम लोग रिलेशन बताने का काम करते हैं तो हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। नो डाउट ऑफ का प्रयोग हम पर्सन के लिए भी करते हैं, कब करते हैं, ठीक है, जब कोई व्यक्ति कोई एक सिचुएशन का हिस्सा हो तो उस समय भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल बोलेंगे, ठीक है, थ्री इडियट ऑफ आमिर खान, ठीक है ना। अब आमिर खान का हम बात कर रहे हैं, आमिर खान तो कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, तो थ्री इडियट ऑफ आमिर खान, देखिएगा ऐसे एक सिनेमा आया था इडियट्स ऑफ आमिर खान, ठीक है। अब देखिएगा ये जो थ्री इडियट्स है, एक सिनेमा है, उसका हिस्सा कौन हुआ, आमिर खान, तो भी हम पर्सन के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अगर हम लिखते आमिर खान्स, ठीक है, थ्री इडियट, तो आमिर खान यहां पे क्या हो जाएगा, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। अब ये क्या करते हैं हम पर्सन के लिए, ठीक है ना, पर्सन कोई व्यक्ति के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि उसी सेंटेंस को अगर हम लेते हैं, आमिर खान,
अब यहां पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, थ्री इडियट्स, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या है, कोई व्यक्ति है, अब व्यक्ति है तो इसके लिए हम क्या यूज किए हुए, अपोस्ट्रोफीस, है ना। लेकिन बात ये है, बात ये है कि ऑफ का प्रयोग हम एक नाउन प्लस यहां पे भी एक नाउन, और ये दोनों नाउन क्या है, कोई वस्तु है, थिंग थिंग, ठीक है ना। ये दोनों जो नाउन होगा वो वस्तु है, तो हम क्या यूज करेंगे उस समय, ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ये मार्कर है, ठीक है, ये कोई वस्तु है, ठीक है ना, इसको हम हटाते हैं। देखिएगा अब ये मार्कर का कवर, देखिएगा मार्कर और कवर दोनों क्या हुआ, दोनों वस्तु है, तो उस समय हमको क्या करना यूज होगा, अपोस्ट्रोफी एस सही होगा या ऑफ यूज होगा, तो ऑफ का प्रयोग करना सही हो जाएगा। जब दो थिंग्स हैं, दो वस्तुएं हैं, ठीक है ना, ठीक है, दोनों नाउन के रूप में, तो उस समय हमको क्या करना होता है, ऑफ का प्रयोग करना होता है। इसीलिए इसके लिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर अगर हम तैयार करते हैं, ठीक है, एक नाउन यहां पे ऑफ, यहां पे फिर से दूसरा नाउन, ये दोनों क्या होना चाहिए, थिंग्स होना चाहिए। ये ऑफ के वजह से, ठीक है ना, ये नाउन यहां पे डेफिनेट हो जाता है, इसलिए हम यहां पे आर्टिकल द को भी लेके चलते हैं, ठीक है। चलो इस पॉइंट को हमको याद रखना होगा कि दो नाउन, ठीक है ना, अगर पजेशन का बात करता है और दोनों कोई वस्तु है तो हम ऑफ का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, ये बात सही हुआ। और यदि यदि यहां पे जो नाउन है, एक नाउन और एक दूसरा नाउन, ठीक है ना, अगर ये पहला नाउन कोई पर्सन है और दूसरा नाउन कोई थिंग है, ठीक है ना, तो भी चलेगा। कभी कभी क्या होगा, ये पहला नाउन पर्सन है और दूसरा नाउन भी पर्सन है, तो भी सही होगा, ठीक है ना। छोटे छोटे एग्जाम्पल भी हम बनाएंगे, है ना, और क्वेश्चन का जो रूप है उसको भी हम देखेंगे, क्योंकि छोटे छोटे बात को अगर हम लोग अच्छे से सीखेंगे समझेंगे तो जो लंबा चौड़ा सेंटेंस में आकर के बन के आता है उसको हम इजीली पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। चलो कुछ एग्जाम्पल इससे भी देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल इससे भी देखेंगे, है ना, इसको मिटाते हैं, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल को लेकर के, है ना। सिर्फ थ्योरी नहीं, लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम थ्योरी जान गए खत्म हो गया, बिल्कुल ऐसा नहीं, खास करके कॉम्पिटिटिव लैंग्वेज का बात करेंगे तो भाई थ्योरी तो ठीक है अपने जगह पे, जब तक उससे क्वेश्चन कैसे आता है वो अगर हम नहीं जानेंगे तो समझो कि वो व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है ना, रट्टा मार लेंगे, बहुत सारे रूल्स आपके दिमाग में है, ठीक है ना, वो कॉन्सेप्ट वो पैटर्न अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, आप तुरंत रियलाइज अगर नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन को देख करके, तो समझो कि वो बेकार है, व्यर्थ है। चलो आ जाओ कुछ एग्जांपल को लेकर के, एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है जो कि बहुत ही आसानी से आप समझेंगे, इसलिए एग्जाम्पल हम लिखने वाले हैं, ठीक है ना। देखिएगा, द टेबल्स लेग्स हैव बीन ब्रोकन बाय राहुल, ठीक है, एक सेंटेंस हम बनाए हुए, ठीक है ना, ये सिंपली ये जो सेंटेंस हम बनाए हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन माना जाता है इसको, ठीक है, और ये मेनली आपको देखा जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा या तो एमटीएस में या फिर सीएचएसएल, ठीक है ना, यानी मैट्रिक और इंटरमीडिएट लेवल का जो क्वेश्चन है ये लेवल है, ठीक है ना, और भी हम अगर लेवल का बात करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, बैंक पीओ लेवल, एसएससी प्री और मेंस का जो लेवल है, इसी से इसी कॉन्सेप्ट में, मतलब कि जो नाउन हम लोग केस पढ़ रहे हैं उसको भी देखेंगे, ठीक है ना। अब इसी में अगर एरर का अगर हमको पूछता है कि बताओ किस पार्ट में गलती है, एन ए का मतलब है नो एरर, ठीक है, तो अब हमको देखना होगा कि टेबल क्या है, सबसे पहले टेबल क्या है, ठीक है, इस तरह का, ठीक है, टेबल मान लेते हैं, है ना। अब इसका लेग क्या है, एक दो तीन चार होता है, ठीक है ना। अब टेबल अपने आप में क्या है, थिंग है,
और इसका अगर लेक्स का हम बात करेंगे तो ये भी क्या है, थिंग है, ठीक है ना। चलो तो अब हमको क्या करना होगा, अब इस फॉर्मूला को अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, यानी कि सबसे पहले तो अगर हम एग्जाम के लिए बैठे हुए हैं, अगर हमसे पूछा हुआ है कि बताओ गलती किस पार्ट में है, तो आपका आंसर ए है, क्योंकि यहाँ जो अरेंजमेंट है वो सही नहीं है, ये भी वस्तु है, ये भी वस्तु है, और यहाँ पे अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग हुआ है, ये तो हुआ सही, आपका आंसर तय। लेकिन इसको हम सही कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब हमको रियलाइज करना होगा, तो टेबल टूटा है या उसका लेग टूटा हुआ है, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे नहीं टेबल नहीं, उसका पैर टूटा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये फॉर्मूला में आ जाओ, द, ठीक है ना, लेग को हम पहले लिखेंगे, लेग्स ऑफ, उसके बाद टेबल का बात करेंगे, ठीक है ना। सिर्फ आंसर रटने का जरूरत नहीं है, उसको आप सही तरह से बना भी सकते हैं, ऐसा कंसेप्ट को डेवलप कीजिए, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि सिर्फ आप लैंग्वेज को सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही नहीं, अगर आपको डिस्क्रिप्टिव कभी देता है क्वेश्चन मेंस में या फिर कहीं भी लिखने के लिए भी आता है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है ना, तभी तो आप लिख पाएंगे, है ना। तो ये आप मेरा बेस्ट है, कुछ और भी एग्जाम्पल लिखते हैं, एक दो और एग्जाम्पल इससे हम लोग लेकर के चलेंगे, ठीक है, आ जाओ। एक सेंटेंस और भी आपके लिए है, ठीक है ना, और ये आपके लिए इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि भाई सेंटेंस को देखने के बाद आप तय करेंगे कि हमसे सही बनता है कि नहीं, ठीक है ना। सिर्फ ये नहीं कि सही और गलत का बात, सही आपसे बनता है कि नहीं, सही आप लिख पाते हैं कि नहीं, ठीक है ना, सही सोच पाते हैं कि नहीं, ये मेरा पर्पस है, है ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, द बोटल्स कवर वॉज थ्रोन ओवर देयर का मतलब है वहां, ठीक है ना। इस पर एक सेंटेंस है, द बोटल्स कवर वॉज थ्रोन ओवर देयर, यानी कि इस तरह से एक बोतल है, ठीक है ना, और इसका एक कवर है, ऐसे ही मान लेना है, ठीक है ना, पानी है, और सिर्फ बोतल है और उसका कवर क्या है कि भाई फेंका गया था, यानी फेंक दिया गया था, सेंटेंस का अर्थ ये हो रहा है। तो अब हमें बताओ ये बोतल अपने आप में थिंग्स है, तो इसका कवर क्या होगा, थिंग ही होगा, फिर से बोतल के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाया है, ठीक है ना, और उसके बाद यहाँ पे कवर का बात हुआ है। अब क्या होगा, ये सेंटेंस को हम सही कैसे बनाएंगे, ठीक है, फिर से ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, द कवर, यानी इसको हम पहले लिखेंगे, ऑफ बोतल, आगे की बातचीत वैसा ही होगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। चलो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा, दो थिंग्स है, दोनों नाउन ऑफ के साथ, पहला जो नाउन है उसके साथ आर्टिकल द, क्योंकि ये डेफिनेट बन जाता है, ठीक है ना, इसी वजह से। चलो कुछ एग्जाम्पल और, है ना, ये तो वो ऑफ वाला कुछ एग्जाम्पल्स, चलो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम बना रहे हैं, जैसे कि राम होम, छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हमें ये बताओ ये राम क्या है, पर्सन है, ठीक है, ये होम क्या है, थिंग है, हमने क्या बताया रूल में, क्या सीखे हम लोग, ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस के लिए क्या, अगर पहला पर्सन है दूसरा थिंग है तो इसके साथ हम अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि राम होम ये भी नाउन है, ध्यान रहे ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, ठीक है ना। तो अगर दो नाउन नियरली अगर यूज होता है तो एक पोजिशन का काम करेगा यहाँ पे, ठीक है ना, अन्यथा राम होम राम घर है, ठीक है ना, राम घर नहीं राम का घर, इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, राम अपोस्ट्रोफियस होम, ये हो गया। कभी कभी क्या होता है दोनों पर्सन हो सकता है, ठीक है, अमिताभ बच्चन सन। चलो एक एग्जाम्पल और छोटा सा हम अभी लेके चल रहे हैं, ठीक है ना।
क्वेश्चन के लेवल को हम लेके चलेंगे, डोंट वरी, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिसको बेसिक का जरूरत है, और बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिसको सिर्फ और सिर्फ एडवांस का जरूरत है, ठीक है ना। लेकिन पैसेंस रखना है, जैसे कि हम पहले भी बोले थे, ठीक है ना। सारा चीज़ आपको मिलेगा। चलो, ये अमिताभ बच्चन पर्सन है, सभी जानते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे सन क्या है, ये भी पर्सन है, ठीक है ना। अब दोनों पर्सन यहाँ पे है, है ना, तो दोनों नाउन है, तो फिर से अगर दो पर्सन है तो भी अपोस्ट्रोफीएस, एक पर्सन है दूसरा थिंग है तो भी अपोस्ट्रोफीएस। इसीलिए यहाँ पे भी हमको क्या लिखना पड़ेगा, अमिताभ बच्चन्स सन, ठीक है, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ये बेसिक पॉइंट था। चलो, इसको एक बार आप देख लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है ना। जो भी पॉइंट्स है उसको आप नोट करते चले जाएंगे। आ जाओ, इसका जो आगे का जो स्टेप है, आगे का जो लेवल है, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछने का जो फंक्शन है, एडवांस लेवल का जो बात होता है, उसको थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए, है ना। आ जाओ, चलिए। अब पर्सन के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये अभी हमको पता चला है ना, ये बात अभी हमने सीखा। लेकिन अब जो पॉइंट है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। ये पॉइंट क्या है, हिसिंग साउंड, हिसिंग साउंड, ध्यान दीजिएगा, ये हिसिंग साउंड होता क्या है, ठीक है ना। जैसे कि हिसिंग साउंड सुनते के साथ आप रेप्टाइल को याद करते हैं, जैसे स्नेक का हम बात करेंगे, ठीक है, तो वो लोग हिसिंग करते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं, वो हिसिंग का मतलब ये है कि भाई कोई भी ऐसा शब्द जो कि पर्सन से रिलेटेड होगा, तभी हम उसके साथ अपोस्ट्रोफी का बात करेंगे, या फिर कभी कभी इसकी जगह पर हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी का बात करेंगे और कभी अपोस्ट्रोफी एस का बात करेंगे। वो पॉइंट क्या है, कहाँ है, कैसे है, वो देखेंगे, ठीक है ना। तो हिसिंग साउंड कहने का मतलब ये है, जैसे कि हम बोलते हैं रमेश, रमेश, ठीक है ना, तो रमेश बोल रहे हैं तो रमेश स स स साउंड, यानी एस साउंड, इसको आप एस साउंड भी बोल सकते हैं, ठीक है, जिसके अंत में एस साउंड होता है, है ना। जैसे गर्ल्स, बॉयज, ठीक है, यानी एस लगा हुआ रहता है। कभी कभी क्या है कि बहुत सारे बुक में लिख दिया गया है कि भाई सिंगुलर और प्लूरल, तो सिंगुलर और प्लूरल से लेना देना नहीं, ठीक है ना, मेनली हमको हिसिंग साउंड, एस साउंड से लेना देना है। तो कोई भी नाउन, ठीक है, अगर वो पर्सन है तो उसमें अगर हिसिंग साउंड है, यानी उसमें एस साउंड पहले से है, और किसी का है, इसका रीजन भी जानते चले जाइए कि पहले से अगर एस साउंड है तो फिर से हमको अपोस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत है ना जी, ना गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से हिसिंग साउंड यानी एस साउंड जिसमें ऑलरेडी एस है, तो उसके साथ हम एस का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपोस्ट्रोफी एस, अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा, और सिर्फ अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे तो ये सही होगा। चलो, लेकिन इसी में एक पॉइंट जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना, कोई पर्सन के लिए अगर हिसिंग साउंड नहीं है, पर्सन के लिए हिसिंग साउंड नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। चलो, अब इसका भी कुछ एग्जांपल्स हम बनाएंगे, ठीक है ना। पहले तो कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल हम बनाएंगे, उसके बाद इसका जो लेवल है, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना, ये पॉइंट को भी हम चर्चा करेंगे। आ जाओ, इसको आप देख लीजिएगा आराम से, इसको हम मिटाते हैं। धीरे धीरे बात समझ में आना शुरू हो जाएगा, अचानक से कोई भी चीज नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। एकाएक अगर बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है तो समझिए कि आप गलत राह में हैं, है ना। अरे भाई, एक प्रोसेस होता है, खास करके लैंग्वेज का हम बात करते हैं, तो ठीक है ना, धीरे धीरे सारा चीज समझ में आता है, समझ में भी आना चाहिए, है ना। आ जाओ, जैसे कि अगर हमने कहा, छोटा सा एग्जाम्पल हम बना रहे हैं, ठीक है, बॉयज पेन, ठीक है। अब ध्यान रखिए, बॉय, बॉय हिसिंग साउंड है, बिल्कुल नहीं है, इसलिए इसके साथ हमने क्या यूज किया, अपोस्ट्रोफी एस, बॉयज पेन यानी लड़का का कलम, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे गर्ल्स, ठीक है ना,
गर्ल्स नोटबुक, नोटबुक, ठीक है। अगर हम गर्ल का बात कर रहे हैं तो उसमें कोई एस साउंड नहीं है, इसलिए गर्ल्स क्योंकि ये पर्सन है अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर थोड़ा सा अगर हम मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, कैसे वो देखिएगा। जैसे कि अगर हमने कहा गर्ल्स हॉस्टल्स, ठीक है ना। अब ये कैसे कंफ्यूज करवाता है एग्जाम में वो देखिएगा। ये गर्ल्स हॉस्टल जो लिखा हुआ है, ठीक है, आपके दिमाग में यही है कि भाई गर्ल तो अपने आप में कोई पर्सन का बात हो रहा है, और हमें ये भी पता है कि यदि कोई पर्सन होता है तो उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग सीखे हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन दूसरा पॉइंट में हमने क्या देखा कि भाई गर्ल्स अपने आप में एस इसमें लगा हुआ है, हिसिंग साउंड है, इसीलिए यहाँ पे ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको सही क्या करना होगा, गर्ल्स और इसके साथ सिर्फ अपोस्ट्रोफी है, ठीक है, हॉस्टल, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। समझ में आ रहा ना। चलो ये तो कॉन्सेप्ट हमने बताया है ना। अब इससे जो क्वेश्चन बनता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ सेंटेंस के माध्यम से, उसके बाद आगे का पॉइंट हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। बहुत सारा पॉइंट अभी है, आ जाओ। एक छोटा सा सेंटेंस हम बना रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन का जो लेवल है वो हम हर दिन चर्चा भी कर रहे हैं कि भाई फिलर का क्वेश्चन होगा, एरर का क्वेश्चन होगा, ठीक है, एरर का पैटर्न क्या होगा, ठीक है, दो तरह से पैटर्न आजकल एरर का पूछा जा रहा है ना, वो सभी हम लोग देख रहे हैं, है ना। तो भाई आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझें, क्वेश्चन का लेवल जैसा भी हो आपसे बनना चाहिए, है ना। आ जाओ एक सेंटेंस हम बना रहे हैं। यू कैन नॉट मैरी अगेंस्ट योर पेरेंट्स विशेस टिल यू कम ऑफ एज, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी भी देख लेते हैं, ठीक, एक ही सेंटेंस है। कभी कभी क्या है कि बहुत लंबा छोड़ा सेंटेंस हो जाता है, इसी को अगर पार्ट करेगा तो ए बी सी डी बनाएगा, है ना। ट्रू फॉल्स के लिए क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है, अंडरलाइन कर देगा कोई भी पार्ट, ठीक है, और उसको इम्प्रूव करने के लिए पूछा जाएगा, ठीक है, बोलेगा। चलो इसमें क्या है कि थोड़ा सा हम डिफरेंट पैटर्न बनाते हैं जो कि न्यूली पैटर्न है, ठीक है। 2019 और 20 में ये पैटर्न से क्वेश्चन देखा गया है। तो ए में कुछ लिख देगा पार्ट, है ना, कैन नॉट मैरी, यानी इस पार्ट में, यानी कि यहां से यहां कोई पार्ट में गलती है तो ए को टिक करेंगे, ठीक है। योर पेरेंट्स विशेस, ठीक है, ये बी पार्ट बना देगा, एक बनाएगा टिल यू कम ऑफ, ठीक है, एक पार्ट बनाएगा नो एरर, ठीक है, आ जाओ। अब ये एक सेंटेंस है और सेंटेंस के बाद इसका डायरेक्शन रहेगा कि भाई ग्रामेटिकल मिस्टेक कहीं है तो किस पार्ट में है, यानी कि जो भी सेंटेंस है उसमें से कुछ एक पार्ट को ऑप्शन बनाया हुआ है, अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा तो उसको टिक कर देना है। अगर ये सेंटेंस में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, मतलब जितना भी पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है खास करके, क्योंकि कुछ पार्ट यहाँ पे छूटा हुआ है जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो जो भी पॉइंट्स को आपको दर्शाया गया है उसमें कोई अगर गलती नहीं है तभी हम लास्ट को टिक करेंगे, ठीक है ना। अब आ जाओ कॉन्सेप्ट वही जो हम सीख चुके हैं, ठीक है ना, इससे पहले जो हम समझे हैं सीखे हैं बस उसी के आधार पर ये क्वेश्चन तैयार हुआ है आपके सामने, है ना, आ जाओ। अब ये सेंटेंस का अगर हिंदी हम लोग मीनिंग अगर जानना चाहते हैं, ठीक है ना, ऐसे तो कोई लेने देना है नहीं कंपटीशन के एग्जाम में कि भाई इसका हिंदी बताओ, हिंदी जानना है ये वो, ठीक है, उसके बावजूद भी जानना है। बोल रहा है यू कैन नॉट मैरी अगेंस्ट योर पेरेंट्स विशेस, यानी अपने माँ बाबूजी के इच्छा के खिलाफ आप शादी नहीं कर सकते हैं। कब तक नहीं कर सकते हैं, टिल यू कम ऑफ एज, जब तक तुम्हारा शादी का उम्र ना हो जाए, ठीक है, कितना है, 18, 20 या 21, ठीक है, लड़कियों का
18 साल, लड़कों का 20 साल, नहीं नहीं 21 साल है, हाँ चलो कोई बात नहीं, डोंट वरी, वो तो जीएस का पॉइंट है, आ जाओ। अभी हमने देखा कि डायरेक्टली सभी चीज को छोड़ते हुए, क्योंकि अभी हम लोग पॉइंट फोकस कर रहे हैं उसी में, लेकिन आपको क्या करना है, एग्जाम में सारा पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं तो सभी पॉइंट को देखना पड़ेगा, है ना। आ जाओ यहाँ पे देखते हैं, योर पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स क्या है, हिसिंग साउंड है, पेरेंट्स, पेरेंट्स एस लगा हुआ है, तो फिर से हमको यहाँ पे एस लगाने का जरूरत नहीं है, इस पार्ट में हुआ तो बी पार्ट में आपका आंसर ये सही हुआ, ठीक है। चलो आ जाओ कुछ सेंटेंस बनाते हैं और भी, एक सेंटेंस और है, अक्सर लोग ये क्वेश्चन करता भी है, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं कर रहा है, कि सिंगुलर हो तो apostrophe s, प्लूरल हो तो सिर्फ s, ठीक है। अगर वैसा होता तो एक छोटा सा एग्जांपल के साथ अगर हम देखते हैं, ठीक है, हम लिखते हैं मेंस पब्लिक मेंस पार्लर, ठीक है, सैलून जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो MEN है प्लूरल है, ठीक है, अगर सिंगुलर और प्लूरल का बात रहता तो MEN प्लूरल है तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी का प्रयोग किए हुए हैं, ठीक है, लेकिन ये गलत है, है ना, हमको सिंगुलर और प्लूरल से लेना देना नहीं है, हमको एस साउंड से लेना देना है, हमको हीसिंग साउंड से लेना देना है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे MEN है जिसमें हिसिंग साउंड बिल्कुल नहीं है, तो जब हिसिंग साउंड नहीं है हमको अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होना है, ठीक है ना। सलून के ऊपर में कुछ भी लिखा हो उससे लेना देना नहीं है, ठीक है ना, ये फंक्शन लेवल का हम देख रहे हैं बातचीत, है ना। तो मेंस पार्लर ये सही हो जाएगा, इसी से रिलेटेड इसको हम इसलिए बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक सेंटेंस हम और बनाने वाले हैं, डब्ल्यू बी इट्स, डब्ल्यू बी इट्स इट्स पोएट्री, पोएट्री के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इज इंटरेस्टिंग, ठीक है। आ जाओ डब्ल्यू बी इट्स जो है एक पोएट है, मतलब अभी तो नहीं है लेकिन ये एक पोएट का नाम है, है ना। अब आ जाओ यहाँ पे इट्स का प्रयोग हुआ है और यहाँ पे सिर्फ अपोस्ट्रोफी और यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। अब डब्ल्यू बी इट्स जो है एक ही पर्सन है, एक ही बंदा है, ठीक है ना। सिंगुलर प्लूरल का अगर बात करते तो भाई हमको तो अपोस्ट्रोफी एस चाहिए था, लेकिन वो तो हमको करना नहीं है, हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि भाई इसमें हिसिंग साउंड यानी एस साउंड है या नहीं है। तो इट्स में हिसिंग साउंड है, तो हिसिंग साउंड होने की वजह से हमको इसको हटाना पड़ेगा और इसको टिक करना होगा, ठीक है ना, ये बात हुआ क्लियर। आ जाओ कुछ और भी पॉइंट लेकर के आगे बढ़ते हैं, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये मेंस लेवल तक का, पीयू मेंस हो या सीजीएल मेंस हो, उस लेवल का ये क्वेश्चन बनता है, है ना। आ जाओ थोड़ा सा कुछ और भी पॉइंट इसमें बचे हुए हैं उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है नाउन केस में पजेसिव केस, जो पोजिशन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करवाता है। इसमें कुछ एक्सेप्शन, अगर एक्सेप्शन ना बोल करके हम इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, सेलेस्टियल बॉडी, हिवेनली बॉडी का बात करेंगे, ठीक है ना, कभी कभी प्लेस टाइम, है ना, के साथ भी हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे, फिलहाल नेक्स्ट पॉइंट है, है ना। आ जाओ अब अपोस्ट्रोफी एस का जो हम प्रयोग देख रहे हैं, ठीक है, इसमें से कुछ कलेक्शन हम दे रहे हैं जो कि आपके लिए इजी होगा, जैसे कि हम समवन का बात करेंगे, ये कोई प्रोनाउन है जो कि इनडेफिनेट प्रोनाउन में हमको पढ़ने का मौका मिलेगा, है ना, जैसे समवन हो गया, नो वन हो गया, एनीवन हो गया, एवरीवन हो गया, ठीक है ना। अब वन के जगह पे कभी कभी बॉडी भी होता है, ठीक है ना, जैसे समबडी, नोबडी, एनीबडी, एनीबडी या एवरीबडी,
एवरीबडी, ठीक है, आ जाओ। ये सारा का सारा प्रोनाउन है जो कि इंडेफिनिट प्रोनाउन में हम देखेंगे। ये सिंगुलर होता है, इसके साथ सिंगुलर भाव आता है, आगे चर्चा करना है। लेकिन हमको क्या देखना है, इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होना है या नहीं होना है, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ को हमको सिर्फ मेमोरी में ये फिट नहीं बैठा लेना है, जो कि लास्ट क्लास में हम चर्चा किए थे कि भाई पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 शायद, हाँ है ना। तो ऐसा लैंग्वेज बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे हमको सीखना होगा, समझना होगा कि भाई एक ही पॉइंट को हम लोग दो तरह से तीन तरह से क्वेश्चन और सेंटेंस बनाते हैं और वो कन्फ्यूज करने की कोशिश करता भी है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ रट्टा ये नहीं मारना है कि जहाँ पे भी समवन नो वन नो बडी आ गया तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। इसके लिए दो कंडीशन है, यदि यदि ये सभी के लिए हम चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद अगर कोई नाउन यूज हुआ है, ठीक है ना, नाउन पहचानने का तरीका हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है, एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। व्हाट, हु और हुम का जो आंसर देगा वही वही नाउन होता है, ठीक है ना। तो ये सभी शब्द के ठीक बाद अगर कोई नाउन आया है तो इसके साथ हमको क्या यूज करना है, ये सभी के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग सही हो जाएगा। अगर आप यूज नहीं करते हैं तो गलत हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। लेकिन इसके ठीक बाद, ये सभी के ठीक बाद दो पॉइंट हम बता रहे हैं, ठीक है, अगर नाउन का प्रयोग नहीं होता है, इसके जगह पे कोई दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच का प्रयोग होता है, जैसे वर्ब का हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हमें एपोस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। फिर से एक बार समझिएगा, एक बार एक पॉइंट को नोट भी कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, एग्जाम्पल सेंटेंस में हम बनाएंगे। फिर से एक बार, समवन नो वन एनी वन एवरी वन, कोई व्यक्ति से रिलेटेड है, समबडी नोबडी एनीबडी एवरीबडी, कोई ना कोई व्यक्ति का हम बात करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर कोई नाउन आता है, ठीक है, तो लगातार दो नाउन होता है तो उसको पोजिशन बताने के लिए हमको ऑफ या एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना होता है। लेकिन ये कोई पर्सन से रिलेटेड है इसलिए हमको क्या होना चाहिए, यहाँ पे यूज करना होगा एपोस्ट्रोफी एस। जैसे कि अभी हम छोटा सा एग्जाम्पल लिखे थे, ठीक है, राम होम। बार बार एग्जाम्पल इसलिए, बार बार मेमोरी में इसलिए लाना पड़ता है क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा पढ़े भूल गए, बार बार अगर माइंड में आता है तो रहता है हाँ भाई ठीक है, ठीक है, आ जाओ। राम होम, ठीक है, राम नाउन, होम नाउन, क्या ये सही है? नहीं, राम घर नहीं है, राम्स यहाँ पे लगाना पड़ेगा। बस यही बात को यहाँ पे हम बताने वाले हैं कि भाई जितना भी ये इंडेफिनिट प्रोनाउन में आप बॉडी और वन का बात कर रहे हैं, अगर इसके बाद कोई नाउन आया है तभी हमको एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है। यदि इसके बाद नाउन नहीं है, अगर कोई वर्ब आता है तो हमें एपोस्ट्रोफी एस का जरूरत नहीं है। आ जाओ सेंटेंस और क्वेश्चन को देखेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, इसका लेबल क्या है, ये पैटर्न क्या है, इसको आप देख लीजिएगा, इसको मिटाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। नाउन अगर अच्छे से आप पढ़ लिए तो समझिए कि आगे कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो बहुत ही आसान होने वाला है। चलो, सेंटेंस हर पॉइंट में हम क्वेश्चन इसलिए बना रहे हैं कि भाई आपको लेबल माइंड में स्ट्राइक करेगा देखते के साथ कि भाई ये कॉन्सेप्ट से हम इस तरह से क्वेश्चन बनाए हुए थे, क्वेश्चन रिवीजन किए हुए थे। आ जाओ, सेंटेंस है, गौर कीजिएगा सेंटेंस का मीनिंग, अर्थ को भी समझने को कोशिश कीजिएगा। सम वन मोबाइल फोन has been stolen in the market। चलो इसको हम एरर का ही क्वेश्चन बना दिए, ठीक है ना। आ जाओ ए बी सी, ये पुराना पैटर्न है, इससे पहले हम नया पैटर्न को ही देख रहे थे, लेकिन पैटर्न कोई भी हो, कहीं से भी क्वेश्चन हो, उसको फोकस्ड होना चाहिए, है ना। आ जाओ, अब सेंटेंस का अर्थ को भी देखेंगे और सही या गलत का भी चर्चा करेंगे। नाउन को पहचानते हुए यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस होगा या नहीं होगा ये भी हमको देखना है, ठीक है ना। आ जाओ, लिखा हुआ है समवन मोबाइल फोन हैज बीन स्टॉलन इन द मार्केट, इसका मतलब क्या हो रहा है, सेंस इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि किसी का, ध्यान दीजिएगा, किसी का यानी का के की का बात हो रहा है, मोबाइल फोन बाजार में चोरी हो गया, ठीक है ना। तो क्या चोरी हुआ है भाई, ठीक है ना, व्हाट हैज बीन स्टॉलन, ठीक है, तो मोबाइल फोन, व्हाट का रिप्लाई दे रहा है, ये पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं,
व्हाट हैज बीन स्टॉलन मोबाइल फोन. तो जो ही व्हाट का रिप्लाई दिया या हु का या हुम का, तो हमें ये पता चल गया. ऐसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि मोबाइल फोन नाउन है, लेकिन उससे हमको लेने देना नहीं है, ठीक है ना. कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, है ना. आ जाओ, तो ये नाउन है, तो समवन के बाद कोई नाउन आया है, नो वन के बाद अगर कोई नाउन आया है, तो इसमें हमको अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा, अन्यथा सेंटेंस गलत हो जाएगा. क्यों सेंटेंस गलत हो जाएगा? समवन यानी कोई मोबाइल फोन थोड़ी ना है, किसी का मोबाइल फोन का बात हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पे हमको अपोस्ट्रोफी एस लगाना होगा, है ना. यानी ए पार्ट में करेक्शन था. आ जाओ एक सेंटेंस और ही, ठीक है ना, जो कि इससे भी ज्यादा हिट है. आ जाओ इसको आप देख लीजिएगा. यहीं पे एक सेंटेंस लिखते हैं, आई बिलीव इन गॉड एंड नो वंस एल्स, ठीक है ना. ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत बार रिपीटेड है. सेंटेंस तो छोटा लग रहा है, लेकिन बहुत बार रिपीटेड है. कैसे वो देखिएगा. आई बिलीव इन गॉड, मैं भगवान में विश्वास करता हूं, एंड नो वंस एल्स, और किसी पे भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवान पे ही विश्वास है, जो करेंगे वही करेंगे, ठीक है ना. ये सेंटेंस बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं. आ जाओ अब आपने क्या लिखा, ठीक है ना, सेंटेंस में नो वन, और इसके ठीक बाद आप देख रहे हैं एक नाउन, और इसके पहले क्या है, अपोस्ट्रोफी एस. ये तो सेंटेंस सही होना हो जाना चाहिए था, बस इसी में हम लोग कंफ्यूज करते हैं, ठीक है. ये सेंटेंस रॉन्ग है. रॉन्ग क्यों है कि कभी भी, फिर सुनिएगा, सुनना और समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कभी भी जितना भी बड़ी और जितना भी वन है, इसके बाद एल्स, ये क्या है, एल्स, एल्स का मतलब कोई अन्य, ये अगर शब्द आया है, तो कभी भी वन और बॉडी में अपोस्ट्रोफी एस ना लग करके एल्स में लगाएंगे, यानी कि एल्सेस का प्रयोग करेंगे. अपोस्ट्रोफी एस यहां पे यूज होगा, ठीक है ना. ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट. कभी भी एल्स का प्रयोग हुआ है, नोबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, ठीक है ना, तो ये बडी और वन में ना लग करके अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग एल्स में एल्सेस करेंगे. ये बहुत ज्यादा हिट था, ठीक है. आ जाओ चलो एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं यहाँ पे, इसी से रिलेटेड अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग, ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है. अभी तक यानी अप टू डेटेड 2019 का जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, और इससे पहले क्वेश्चन बैंक में जितना भी क्वेश्चन है, इंग्लिश का सिर्फ हम बात करेंगे, सभी को हम देखे हैं, एक एक पॉइंट को हम समझे हुए हैं, ठीक है ना. इसीलिए जितना भी यहाँ पे एग्जाम्पल है, आप देखते होंगे कि एग्जाम्पल हम कोई नोटबुक लेकर के यहाँ पे नहीं, ठीक है ना, ये मेमोरी में फिट है. और ये सारा का सारा क्वेश्चन बैंक अध्ययन करते हुए सभी, यानी कि 90% जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया जा रहा है सेंटेंस में, वो सारा का सारा क्वेश्चन बैंक का ही है. आ जाओ एक पॉइंट और हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं. उससे पहले एक एग्जाम्पल भी है, ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ नाउन वाला एग्जाम्पल हुआ, भाव वाला एग्जाम्पल नहीं हुआ, ठीक है. तो एक सेंटेंस और बना लेते हैं. एवरी बडीज वॉज टेकिंग कॉफी एट बस स्टैंड. चलो एक सेंटेंस और भी है, ठीक है ना. आ जाओ एवरीबडी वॉज टेकिंग कॉफी एट बस स्टैंड. अब यहां पे कोई पोजीशन का बात हो रहा है क्या, प्रत्येक लोगों का, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना. आपने देखा एवरीबडी, यहां पे अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, और ये वॉज क्या है, इसको हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, ये वर्ब है. कैसा वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब, इसी को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं. और हमने देखा कि इसके ठीक बाद अगर कोई दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच हो, नाउन नहीं हो, तो इसके साथ हमको अपोस्ट्रोफी एस नहीं लेके चलना है, ये गलती हो जाएगा, है ना. अब दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट पॉइंट जो भी होगा, है ना, ये दोनों को आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि नाउन आता है तो अपोस्ट्रोफी एस होगा, अगर नाउन नहीं आता है, कोई दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो अपोस्ट्रोफी एस नहीं होगा, ठीक है ना. चलिए चलो इसमें एक दो या तीन पॉइंट बचा हुआ है. फिर से सुनिएगा कि जितना भी आपने नाउन के रिलेटेड क्वेश्चन आपने देखा, इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, है ना, क्योंकि ज़्यादा बोझ हो जाएगा, है ना. इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और नाउन के रिलेटेड एक दो या तीन पॉइंट जो कि हिट पॉइंट है,
उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आगे फिर से हम मिलेंगे इसी तरह से आप सभी के साथ। थैंक यू।